फ्रेंड्स वेलकम बैक जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा था कि मच्छ का प्रयोग हम कैसे करें और उसका हम लोगों ने सलूशन की बात की थी और जब सेशन का अंत हुआ था तो मैंने कहा था कि मच्छ के साथ मेनी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है हालांकि मेनी मच्छ की तरह उतना रिजिड वे में प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी मेनी का प्रयोग जो कॉमन वे में जो यूजुअली uh, जो मेनी का प्रयोग हम करते हैं वो मच जैसा ही करते हैं तो आइए आज जरा हम लोग मेनी के प्रयोग के भी बात कर हैं पहले एक बात समझिएगा कि जो मेनी है ये ये जस्ट जो मेनी है ये मच का ऑपोजिट है क्योंकि मच क्वांटिटी की बात करता है तो मेनी नंबर की बात करता है तो पहली चीज किस मेनी के बाद हमेशा लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है पहले इस बात को समझ लेना है कि जब भी आप मिनी का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद जो नाउन आएगा, आएगा वो पोर्डल होगा और काउंटेबल होगा आप कहोगे मीनी बॉयज तो ये ठीक है अगर आपने कहा मीनी बॉय तो ये ठीक नहीं है आप ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये लिखना ठीक नहीं है एक तो ये बात कि बातल होगा और काउंटेबल होगा तो फिर अगर मैं कह दूं कि मेनी फर्नीचर जाहिर सी बात है रॉन्ग है आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि फर्नीचर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है आप ये नहीं कह सकते कि मेनी बिल्कुल नहीं लिख सकते रॉन्ग है क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउ है यहाँ पे मच होना चाहिए मच फर्नीचर मच सोग या अगर आप मेनी को प्रयोग करने के लिए लालाई थी हैं तो आप कहेंगे मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर मच किलो मेनी किलोज ऑफ सुगर मेनी पैकेट्स ऑफ सुगर मेनी स्पून ऑफ sugar. आप यहां पे कोई मॉडिफाइंग वर्ड लेके आइए जो काउंटेबल है जिसका पोल्डल बन सकता है ठीक है हालांकि ये चीजें एजिकटिव की चर्चा हम लोग कभी करेंगे तो विस्तार से करेंगे फिलहाल ये समझिए इन शॉर्ट कि मेनी जो है ये संख्या की बात करता है और इसके बाद हमेशा पोल्डल काउंटेबल नाउन आता है ठीक है लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस ये जो मेनी पोल्डल है इसके साथ पोल्डल काउंटेबल नाउन आता है आपके सामने एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं बट इन प्रैक्टिस इस मेनी का प्रयोग कभी कभी हम सिंगुलर रूप में भी करते हैं हालांकि उसका पोर्डल होता है तो पहले तो आप इसको संभालते चले स्क्रीन शॉट्स लेते चले लिखते चले तो मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मेनी का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं संभाल लीजिएगा ठीक है अब देखें जरा अब इसी मेनी के साथ हम आवश्यकता ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं और जब ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और और, और होगा तो काउंटेबल ही होगा तो काउंटेबल ही लेकिन सिंगुलर अब क्या आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या इस बात को देखें कहने का मतलब कभी आपने लिखा था मेनी बॉयज लेकिन आप लिखोगे मेनी अ बॉय ध्यान दीजिएगा अब ए आते ही देखिए अर्थ वही है मेनी बॉयज या मेनी या बॉय दोनों का मतलब है अनेक लड़के कई लड़के लेकिन ए लगते ही देखिए नॉन सिंगलर हो गया आप कहोगे मेनी एंड अम्ब्रेला देखिए नॉन सिंगलर होगा हां आप इसको पलट करके लिख सकते हैं कि मेनी बॉयज अभी आपने इसके पीछे वाले पेज पे लिखा था आप लिख सकते हैं मेनी अम्ब्रेलाज ये देखिए आप ऐसा कर सकते हैं ये संभव है लेकिन जैसे ही आप इसके बाद इस मेनी के बाद यहाँ पर आप ए अथवा एन को इंसर्ट करेंगे तो ये जो नाउन होगा ये सिंगर क्लियर है कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको एक वाक्य दे दूं कि आ, अनेक लोगों या व्यक्तियों कर लो अनेक व्यक्तियों ने उसकी सहायता की देखिए जी लुक एट दिस सेंटेंस सो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज फर्स्ट वन मेनी पर्सनस हेल्प ह या हिम जो भी आपको लिखना हो वो आपके ऊपर है इन इसी बात को आप कहोगे मेनी मैनी अ पर्सन हेल्प अब ध्यान से देखिए आपने जब केवल मेनी का प्रयोग किया यहां पे ये पुलडल नाउन आया आपने जब मेनी अ का प्रयोग किया यहां पे नाउन सिंगुलर आया ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अनेक व्यक्तियों यहां पर दोनों का मतलब है कई लोग ढेर सारे लोग लेकिन मैनी कहता है कि मेरे बाद आप जब ई या एन को इंसर्ट करते हैं तो मैं एक नया फ्रेज बन जाता हूं मेरी मीनिंग तो नहीं बदलती लेकिन तो मेरा स्ट्रक्चर मेरा नेचर बदल जाता है मेरे बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो जाता है आपके सामने देखिएगा जरा अच्छा ये मेनी पर्सन मेनी या पर्सन संभाल लीजिएगा मेरे ख्याल समझ में आ गई बात कि मेनी कब सिंगलर होगा कब पोल होगा खटाखट स्क्रीन शॉट लेते चलिए तो मैं अगले पेज पे चलू संभालते चलिएगा संभाल लिया बढ़ू आगे देखिएगा जरा अब जो है एक बात और कि जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो कभी कभी इस इसके साथ आप इसको सब्जेक्ट के अभी मैंने जितने सेंटेंस लिखा था आप उस मुद्दे पे आ जाएं जो मत से हम लोग कंपेयर करके देखने वाले हैं तो अभी आपने मैंने जो सेंटेंसेज आपको दिखाए थे इस पेज पर जा ध्यान से देखिए इस पेज पे आइए आप तो आप ध्यान से देखिए यहां पर ये यह जो आया है ये जो आया है मेनी पर्सनस ये सब्जेक्ट पार्ट है जो मेनी अ पर्सन ये क्या है सब्जेक्ट पार्ट है देखिए कर्ता के रूप में आया है और ये इसकी वर्ब है है ना जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके साथ वर्ब भी शिफ्ट करेगी आप कहोगे कि मेनी गर्ल्स आर एपसेंट टूडे ध्यान से देखें यहां पर बहुत क्या आई आर क्योंकि मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट है ना इसी बात को आप कहोगे की मेनी गर्ल अब देखो ए लगा तो गर्ल्स गर्ल girl हुआ ना तो आर का हो जाएगा एज एब्सेंट टुडे सेंस वही होगा कि अनेक लड़कियां अनुपस्थित हैं बट लुक एट द द द स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ़ सेंटेंस हियर हियर एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ बट इज़ सिंगल। अच्छा ऐसे वाक्यों को लिखते समय आपको इनके साथ आने वाले अन्य पजेसिव्स, प्रोनाउंस का भी ध्यान रखना चाहिए वरना कहानी बिगड़ सकती है अब देखो जरा अब मैं कहूंगा मेनी स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देर फीस अब देखना जरा अब यहां पर देखो हैव आया क्योंकि स्टूडेंट्स है तो यहां पे क्या आया देर आया कि अनेक विद्यार्थियों ने अपनी फीस अदा कर दी है ठीक है लेकिन इसी बात को मैं अगर ऐसे कहूं कि मीनी स्टूडेंट अब ये हैब क्या हो जाएगा साहब हैज सबमिटेड अब जो देयर है क्या हो जाएगा रे हिज फीस ध्यान से देख रहे हैं जादू दोनों इन सभी सेंटेंसेस की मीनिंग एक है इन दोनों की इन दोनों की मीनिंग एक है इन दोनों की मीनिंग एक है कि अनेक लड़कियां अनुपस्थित हैं अनेक बच्चों ने अपनी फीस जमा कर दी है लेकिन ये जो हिस्सा है ये कहता है कि भैया मैं सिंगुलर हूँ इसलिए मेरे बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर जाहिर सी बात है इसके लिए आने वाला पजीसी भी सिंगुलर अब यहाँ जब आयोग सवाल बनाता है तो खेलता है वो एक ही सेंटेंस में कभी आपके वर्ग के साथ खेलेगा कभी प्रोनाउन और के साथ खेलेगा कभी आर्टिकल के साथ खेलेगा आप हर गेंद को खेलिएगा स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव पुल कट ग्लांस और मैच जीत के ही आइएगा ये आपके जिम्मेदारी है ठीक है ये तो पहले मेनी का प्रयोग करते समय इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात गई अब साहब देखिएगा जरा अब बात कहां से उठी कि मच का प्रयोग अफॉर्मेटिव में नहीं होता पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा अब इस सेशन में हम कहे थे कि मैनी भी ऐसी जैसा है बस मैनी दबाव नहीं है तो अभी तक मैंने सारे सेंटेंसेस अफॉर्मेटिव में लिखे हैं तो आप कह सकते हैं तो फिर आप ही तो कह रहे थे कि अफर्मेटिव में नहीं होगा तो यहाँ क्यों हो रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से देखिए इन सभी वाक्यों में ये जो मैनी आया है ये जो मैनी आया है चाहे स्पूल के रूप में चाहे के रूप में, ये सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है। वो बात की आप पिछला सेशन देखिए मैंने कहा था कि ये बात तब लागू होती है जब ये उठ करके प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा हो जाते हैं जब ये प्रेडिकेट में चले जाते हैं वर्ब के बाद चले जाते हैं तब इनके साथ अफर्मेटिव में प्रयोग करने वाली बात नहीं स्वीकार की जाती है तो आप इसको संभालें तो मैं नेक्स्ट पेज पे पर चलू ध्यान से देखिएगा और ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए रेडी चलो मैं आगे देखिएगा जरा तो अब ध्यान दीजिए अब जैसे ही आप इस मेनी को प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा बनाएंगे तो भाषा कहती है कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव में करना अनकॉमन है यद्यपि यह मच की तरह इनकरेक्ट नहीं होता लेकिन अनकॉमन जरूर है कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि ही हैज मेनी बुक्स और फिर मैं कहूं ही हैजेंट मेनी बुक्स और फिर मैं कहूं हैज ही मेनी बुक्स तो मेरे मुन्ना मुनिया लोग, मेरे युवा साथियों ये तीनों के तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं जी तीनों के तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं, बट ये जो सेंटेंस है ये अनकॉमन है अनकॉमन है, है कहने का मतलब कि अंग्रेजी दुनिया में अंग्रेजी भाषा के प्रेमियों की दुनिया में इसको जानने वाले विदुषियों और विद्वानों की दुनिया में अमंग द स्कॉलर्स दिस सेंटेंस इज रेयर रेयर शायद ही कभी कोई इसका प्रयोग करता है अच्छे लेखक अच्छे स्पीकर इस वाक्य का प्रयोग नहीं करते और ये जो दोनों सेंटेंस है साहब ये दोनों मोर यूजुअल हैं मच की तरह ही मेनी का प्रयोग भी नेगेटिव और अफर्मेटिव में ज्यादा होता है अफर्मेटिव में नेगेटिव इंटरोगेटिव में ज्यादा होता है नॉट अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज्यादा होता है अफ़र्मेटिव में बहुत कम किसी भी अच्छे लेखक के मुख से किसी स्पीकर से, उसकी कलम से ऐसे सेंटेंस नहीं करते। फिर कहोगे तो सर करेंगे क्या सिंपल सी बात है ठीक वैसे ही जैसे आपने मच वाले सेशन में अलॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ गुड डील ऑफ ग्रेट डील ऑफ का प्रयोग किया था वैसे ही आप मेनी के बदले लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग करके लिखिए तो ये सेंटेंस करेक्ट तो है लेकिन अनकॉमन है तो आप करोगे क्या कि इन ऑफॉमेटिव इन ऑफॉमेटिव मेनी इज यूजुअली रिप्लेस्ड लॉट ऑफ अथवा नंबर ऑफ अथवा लार्ज नंबर ऑफ अथवा अब देखिए यहां लार्ज है एल ए आर जी ई लार्ज नंबर ऑफ ना मैं इसको साफ लिख दे रहा हूं आ, लार्ज नंबर ऑफ ठीक है अथवा आप इसकी जगह इनफ या गुड इनफ एटसेट्रा का प्रयोग कर सकते हैं इन वाक्यों में मिनी का प्रयोग आप कोशिश करें कि अफर्मेटिव में ना लिखें कोशिश करें वो एक्सेप्टेबल तो है बट विथ रिजर्वेशन मस्त तो होता ही नहीं है मस्त तो गलत होता है पिछले आप देख चुके हैं यहां पर क्या है इसमें रिजर्वेशन है लिखे तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आप बिंदास इनका प्रयोग करिए लेकिन जैसे ही आप इसका प्रयोग में करें तो मेनी के बजाय अलॉर्ड ऑफ प्लेंटी ऑफ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफ गुड इनफ का प्रयोग करके लिखे कहने का मतलब क्या है आप इसको संभाल लें तो मैं अगले पेज पे चलू लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया आगे चलू देखिए गजरा इसमें मामला क्या है कि आप जो है कहेंगे कि ही हैज अ लॉर्ड ऑफ अथवा plenty ऑफ अथवा नंबर ऑफ अथवा इनफ या गुड इनफ जो भी आपको करना है इनफ अथवा लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अबे ठीक है करेक्ट है आपकी मर्जी आप चाहे इसका प्रयोग कर लो 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 ठीक है इसमें तो ध्यान क्या रखना है लॉर्ड ऑफ और प्लेंटी ऑफ का प्रयोग मैंने मच के साथ भी किया था ठीक है मैंने लॉर्ड ऑफ का प्रयोग आपके लिए यहां पर ही हैज है छूट गया था ध्यान रखिएगा ही हैज ना अब देखिए अब एक करेक्ट है तो ही हैज अ लॉर्ड ऑफ प्लेंटी ऑफ नंबर ऑफ इनफ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ठीक ना तो आप इनमें से अब आपको एक चीज जरूर सता रहा होगी एक बात सता रही होगी कि सर जी का प्रयोग मच के साथ भी आया था पेंटी ऑफ का प्रयोग मच के साथ भी आया था लेकिन बाकी का प्रयोग आपने मच के साथ नहीं किया था क्यों नहीं उसमें नंबर लगा हुआ है देखिए जब नंबर आ गया तो मच नंबर की, की बात नहीं करता इसलिए नहीं आया था इनफ का प्रयोग आप ये देखिए इनफ का प्रयोग आप दोनों के साथ कर सकते हैं enough मात्रा भी बताता है enough संख्या भी बताता है आप enough मनी भी कह सकते हैं enough वाटर भी कह सकते हैं enough बॉयज भी कह सकते हैं enough बुक्स भी कह सकते हैं क्लियर हो गया इसमें एक फ्रेंड गायब है जो मच केस वाले सेशन में था आप जाकर के फिर से एक सेशन को देखिए वहां मैंने अ ग्रेट डील ऑफ अथवा अ गुड डील ऑफ की बात की थी जो यहां पर नहीं है क्योंकि ग्रेट डील या गुड डील ऑफ का प्रयोग केवल क्वांटिटी के लिए होता है नंबर के लिए नहीं होता है ध्यान रखिएगा अगर आपने कहा गुड डील ऑफ मनी तो ये करेक्ट है यदि आपने कहा अ गुड डील ऑफ बुक्स तो साहब ये रॉन्ग सेंटेंस है आप नंबर बताने के लिए इस फ्रेज का प्रयोग नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं इसलिए ये यहां missing है और मच वाले में नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिसिंग था क्लियर है बाकी जो इनफ है लॉट ऑफ है प्लेंटी ऑफ है इनका प्रयोग हम संख्या और मात्रा दोनों को बताने के लिए करते हैं ओके अब आपके मन में एक और प्रश्न उठेगा कि जैसे आपने मच के साथ सो का प्रयोग किया था टू का प्रयोग किया था तो आपने कहा था कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव में कर सकते हैं क्या यहां भी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है क्या बिल्कुल उपलब्ध है पहले आप इसको संभाल लें तो मैं अगले पेज पे चलूँ संभाल लिया देख लीजिएगा अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लीजिएगा मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे ठीक है अब देखिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वैन मैनी इज प्रिस बाय जब मैनी को प्रिसीड किया था किसके द्वारा सो के द्वारा टू so के द्वारा गुड अथवा ग्रेट के द्वारा ठीक है सो so आ जाए टू आ जाए गुड आ जाए ग्रेट आ जाए अब जैसे ही आप इनका प्रयोग करोगे साहब ठीक है तो फिर आप ना आप यहां हाउ का हाउ के द्वारा एज के द्वारा एटसेट्रा अब ये जब आ जाते हैं तो मेनी कैन बी यूज इन एन ऑफॉर्मेटिव सेंटेंस ये देखिए ही आप इनका प्रयोग करेंगे तो मेनी का प्रयोग भी ऑफोमेटिव सेंटेंस में फ्रीली भाई कैन मतलब फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अब आप बन, बिंदास इसका प्रयोग कर सकते हैं वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है लोग अच्छा नहीं मानते आप कह सकते हैं कि ही हैज गॉट मैनी टॉइज देखिए अब ठीक है नो no प्रॉब्लम आप कह सकते हैं वी मेड टू मैनी मिस्टेक्स देखिए अब बिल्कुल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कह सकते हैं कि आई बॉट अ गुड Many books. अब ठीक है देखिए इन सब में देख ध्यान से देखो बच्चा ये जो आ आ रहा है, कहां रहा है 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 के बाद मतलब पार्ट का हिस्सा है. और ये सारी बातें कब लागू होंगी जब मेनी और मच प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होते हैं ये ध्यान रखना है अब ध्यान रखना एक और चीज यहाँ पर कि मैंने कहा गुड या ग्रेट का प्रयोग करने की बात तो जैसे ही आप मेनी के पहले गुड या ग्रेट का प्रयोग करते हैं ना तो उसके पहले ए का आना जरूरी है आप गुड मैनी ग्रेट मैनी नहीं कहेंगे क्या कहेंगे अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी ये बहुत जरूरी है आप कह सकते हैं ठीक है इसको यहां देखो आप ऐसा आप कहोगे अ गुड अथवा ग्रेट मैनी पीपल ऊपर जा ध्यान दीजिएगा दिख रहा होगा आपको तो ये करेक्ट फ्रेज है बेटा ए लगा हुआ है यदि आपने यहां पे लिख रहा होगा लिखा कि गुड अथवा ग्रेट मेनी टॉयज तो ये रॉन्ग है आप ऐसा नहीं कर सकते जब भी मेनी के पहले गुड या ग्रेट लेके आना तो एक का प्रयोग जरूर करना वरना आर्टिकल का एरर हो जाएगा ठीक है ना तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेनी के पहले गुड या ग्रेट का प्रयोग करेंगे तो वहां पर ए का प्रयोग अनिवार्य है ठीक है अब देखिए जरा इस तरह से आप जब आप इसके साथ एज का प्रयोग कर सकते हैं हाउ का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में तब नो no या नॉट नहीं आएगा यू कैन टेक एज मेनी बुक्स एज यू ये देखिए ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है आप कह सकते हैं हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट हालांकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया डू यू वांट अगर तो इंट्रोगेटिव हो गया लेकिन फिर भी उसमें देखो नॉट नहीं आया ठीक है तो ठीक मच की तरह मिनी महोदय भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते यदि इनका प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में होता है हाँ अगर ये सब्जेक्ट पार्ट के रूप में आए हैं तो आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है तो कोशिश करिए कि मेनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव में ना करें ठीक है हालांकि मच की तरह आप अगर आई हैव हाँ मेनी बुक्स कहते हो तो ये रॉन्ग नहीं माना जाएगा लेकिन अनकॉमन अटपटा माना जाएगा तो कोशिश करिए कि आप इसके साथ भी मच की तरह ही प्रयोग करें तो मैंने इन दो सेशंस में मच और मेनी के प्रयोगों की एक सावधानी बताई है एक बार फिर से आप मच वाला सेशन और मेनी वाला सेशन दोनों देखिए और देख करके अपने आइडियाज़ को अपने ओपिनियन को क्रिस्टल क्लियर करिए प्रश्नों को सही करना ठीक करिए और हमें बताते रहिए कि मैं आप तक पूरी श्रद्धा से पहुंच रहा हूं कि नहीं आपके लिए उपयोगी बातें कर रहा हूं कि नहीं और ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो ये आप जरूरी है थोड़ा सा अंगूठा उंगूठा दिखाया करिए लाइक किया करिए सब्सक्राइब किया करिए दोस्तों में शेयर किया करिए मेरा उत्साहवर्धन किया करिए तो इसी तरह से किसी और मज़ेदार टॉपिक को लेके हम फिर हाजिर होंगे स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, टेक केयर टाटा बाय बाय थैंक यू